बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं जीवे पाकिस्तान वीलॉग्स पे अपने चौधरी सोहेब सारे एक मेज़बान की आवाज़ में नया एपिसोड। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तानी अदाकारा सहीफा जब्बार ने सोशल मीडिया पे अपने डिप्रेशन और जहनी परेशानियों में इजाफे का जिक्र किया। कुछ अर्सा कबल सहीफा जब्बार की जानिब से ये पोस्ट शेयर की गई, जिसमें इन्होंने अपने जहनी तौर पर दबाव और मेंटल टॉर्चर का भी जिक्र किया था, नफसियाती दबाव बढ़ने का जिक्र किया था। जिसके बाद सहीफा जब्बार ने कुछ खुशगवार माहौल में नई तस्वीर अपलोड की हैं, जिसमें लोगों ने शदीद तनकीद करते हुए अदाकारा को ड्रामे बाज का लकाब से नवाजा है। नाज़रीन का कहना है कि सहीफा जब्बार ने पहले अपने आप को उदास महसूस करवाया, हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की और अब अपने आप को दुनिया की खुश किस्मत और सबसे खुश रहने वाले इंसान के तौर पे शेयर कर रही हैं। ये दोहरा मयार है। सहीफा जब्बार ने भी नाकदीन को जवाब देते हुए कहा है कि कुछ वक्त कबल जहनी परेशानियों में इस कदर घिरी हुई थी कि ज़िंदगी में मायूसियाँ नज़र आ रही थी, लेकिन ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली और वक्त एक जैसा नहीं रहता, इस बात का भी काफ़ी अच्छा एहसास हुआ और जल्द महसूस किया कि ज़िंदगी बेहतरीन उतार चढ़ाव का हिस्सा है, जो कभी आपको गम के दिन याद कराती है और कभी खुशी और पुरमसरत मौके से हम किनार होने का भी अच्छा मौका फराहम करती है। सहीफा जब्बार ने कहा कि मुझ पर तनकीद करने वाले ये ज़रूर याद रखेंगे, मैंने अपने मायूस होने वाले एहसासात को भी आपसे शेयर करते हुए आपको अहमियत दी थी और आज जब मैं खुशी महसूस कर रही हूँ तब भी मैं अपने साथ आपको शामिल रखते हुए इस बात का इतराफ़ कर रही हूँ कि नाज़रीन और हमारे फैंस ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं। सहीफा जब्बार पाकिस्तान की नई अदाकारा है, जो मुख्तलिफ ड्रामा सीरीज़ में भी पाकिस्तान के ज़बरदस्त अदाकारों से के साथ काम करती हुई नज़र आई हैं और नाज़रीन ने कम वक्त में सहीफा जब्बार की शोहरत की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है, इनके काम की तारीफ की है, जिसकी वजह से कम वक्त में ये शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई हैं और पाकिस्तान से बाहर भी इनको देखा जा रहा है और इन्हें बहुत जल्द पाकिस्तान के शायकीन नाज़रीन एक फिल्म में देखने जा रहे हैं। इस तरह के मज़ीद व्लॉग देखने के लिए जीवे पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।